कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। अब किसकी सरकार है क्या वहाँ पे? राहुल गांधी की सरकार है, सरकार तो आपकी है। प्रेम चक्रा जी, ऐसा क्यों है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछा जाता है वो विपक्षी दलों की सरकारों पर सवाल खड़ने लगती है? सवाल तो आपसे पूछे नहीं, आप महाराज। अक्सर डिबेट में मीडिया एंकर सरकार का पक्ष लेते और विपक्ष से सवाल करते नजर आते हैं, पर आज उन डिबेट्स की बात करते हैं जिनमें मीडिया ने तीखे सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से किए हों। न्यूज 18 पर डिबेट में एंकर ने गौरव भाटिया को एक मुद्दे पर अपना पक्ष रखने को कहा, जिस पर गौरव भाटिया ने एंकर पर तंज कसा, जिसके बाद अमीश ने गौरव भाटिया पर सवालों की बौछार से कर दी। अगर नरेटिव अपना ऑपोजिशन बिल्ड कर जाता है, सेलेक्टिविज्म ऑपोजिशन बिल्ड कर रहा है और उस चीज को इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो ये कमजोरी आपकी है? यही सवाल मैंने पूछा मंत्री जी से भी। बीच में मत बोलिए। नहीं, सवाल तो मैं पूछूंगा ना गौरव जी। बोलिए, मेरे नहीं, मेरे को तो बीच में बोलना पड़ेगा। सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा ना। आपको भी समय मिल रहा है गौरव जी? मैं उत्तर दूंगा। वाकई समय मिल रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर शांत रहेंगे। बोलिए आप अपनी बात। आप शांत रहिए तो मिलेगा। मैं शांत ही हूं। आप बात को रखिए। सुनिए, आप अपनी पार्टी की कमजोरी को छुपाने के लिए मेरे पे क्यों तोहमत लगा रहे हैं? आप बोलिए अपनी बात। कोई पार्टी की कमजोरी नहीं है। आपको संविधान का ज्ञान देता हूँ। कश्मीरी पंडित भागे, क्या आपने सुना सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कभी बात करी? कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। बदला क्या 1990 से अभी तक? बदला क्या मुझे बताइए ना। कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। अब किसकी सरकार है क्या वहाँ पे? राहुल गांधी की सरकार है, सरकार तो आपकी है। अभी भी कश्मीरी पंडितों को उधर मारा गया। इंडिया टीवी पर डिबेट में लखीमपुर की घटना पर बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता ने विपक्षी पार्टी पर इल्जाम लगाना शुरू किया, जिसके बाद एंकर ने प्रवक्ता की क्लास लगा दी। ढेर सारे आपराधिक गतिविधियों को हो रही है और उसके बाद महाराष्ट्र में बेशर्मी के साथ सरकार ही अराजकता पूर्वक सत्तारूढ़ दल बंद आयोजन करते हैं, स्वयं के मंत्री तो फरार है। प्रेम चक्रा जी, ऐसा क्यों है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछा जाता है वो विपक्षी दलों की सरकारों पर सवाल खड़े लगती है? सवाल तो आपसे पूछे नहीं, आप महाराष्ट्र में नहीं, नहीं, आप मुझे कृपा करके बताइए। हम तो सवाल का उत्तर दे रहे हैं। आरोप लगा, उस पर जो है जांच बाकायदा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता है, गुंडा राज नहीं है। 10 दिन हो गए अभी तक सिर्फ रिमांड पर बातचीत हो रही है और बाकी लोग का तो पता ही नहीं है। जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की उनका तो अरेस्ट ही नहीं हुआ है। टाइम्स नाउ पर लखीमपुर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में देरी को लेकर सवाल किया, जिस पर नेता बात को गोलमोल घुमाने लगे, पर एंकर ने उन्हें सही से जवाब देने को कहा। नलिन कोहली जी, सवाल तो पूछना पड़ेगा कि ये कौन सा लॉ है, कौन सा कानून है जिसमें इस तरह की ढील दी जाती है आरोपी? अगर हर FIR पे अरेस्ट अगर तुरंत हो, 302 हो या कोई और केस हो, तो राहुल जी और सोनिया जी तो बेल पे है, उनके अगर FIR हुआ तो तुरंत जेल जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता, आवश्यकता पे तुरंत हो जाता है अरेस्ट। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब है इन्फॉर्मेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन है, अगर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने, क्या होने वाला है, ये प्रोसेस है। एजेंडा की बात नहीं है, मैं आपको एक बीजेपी के वक्ता की तरह नहीं पूछ रही, मैं कानून के, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कानून के विशेषज्ञ के तौर पे आपसे पूछना चाहती हूं कि 302 मर्डर का जब चार्ज हो तो क्या 4 दिन तक उस FIR पर आप बैठे रह सकते हैं? क्या यही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है? न्यूज नेशन पर देश में कोयले की किल्लत पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सरकार द्वारा उचित कदम ना उठाने पर सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता ने बात को गोलमोल घुमाना शुरू किया, जिसके बाद एंकर ने अपने सवालों में उन्हें घेरना शुरू किया। तेज जी बताइए, क्या सरकार बहुत पहले, जैसे मनोज सर ने कहा, बहुत पहले से अगर सिचुएशन को हैंडल करती तो संभाल तो सकती थी ना, क्योंकि डाटा, इंडिकेटर्स, बाकी चीजें सरकार के पास थी। इस हालत तक सिचुएशन को क्यों जाने दिया? झारखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर केंद्र ने आपको कोयले की खदान की परमिशन दे दी और चालू करने का कर दिया, आपने चालू क्यों नहीं करी? इंटरनेशनल फैक्टर अपनी जगह है, आपका मॉनसून अपनी जगह है, लेकिन ये फैक्टर भी तो जुड़ेंगे कि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं करी, एक बात। दूसरी बात, आपने जो खदान आपको एलोकेट हो गई है राज्य सरकारों को, राज्य सरकार ने परमिशन क्यों नहीं दी टाइम के ऊपर? फॉरवर्ड लुकिंग होके जैसे मोदी सरकार सोचती है बाकी मामलों में, इसमें क्यों नहीं सोच पाई? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कोल ब्लॉक के ऑक्शंस हुए उसके प्रोडक्शन के अंदर भी देरी हुई, अगर उसका प्रोडक्शन भी सही वक्त पर हो जाता तो शायद ये दिक्कत ना आती। दीपक भाई, ऐसा नहीं है कि
मोदी सरकार सोच नहीं रही है। मोदी सरकार पूरी तरह से इस चीजों को अवेयर है। आपको ये डिबेट कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।